टेस्टी प्रोटीन युक्त दाल जिसे पंचरत्न दाल कहा जाता है। ये दाल भारत के विभिन्न भागों में चावल और रोटी के साथ खाई जाती है और मुख्यतः ये राजस्थान में दाल बाटी चूरमा के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलो हम आज इसे बनाने की विधि जानते हैं और साहित्य जानते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है इस चम्मच से टी स्पून से दो दो चम्मच पांच प्रकार की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, तुवर दाल, तुवर दाल को अरहर की दाल भी कहा जाता है, चना दाल, मसूर दाल, एक कटा हुआ बारीक प्याज, टोमेटो, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। फ्राइंग के लिए मैंने बटर लिया है दो चम्मच, गरम मसाला, हींग, मेथी दाना, जीरा, राई, हल्दी पाउडर, तीखा और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सारी दालों को एक साथ धो लेते हैं और धोने के बाद उसमें हम पानी डाल के आधे घंटे के लिए भिगो के रखते हैं। इससे हमें दाल पकाने में आसानी होगी और हमारी दाल जल्दी पक जाएगी। आपके पास अगर कोई एक दाल ना हो तो भी आप दाल बना सकते हो। हमने दाल को अच्छे से धो के आधा घंटे तक हमने इसे भिगो के रखा था। अब हम गैस पे कुकर में इस तरह हमने दाल रखी है, इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच थोड़ा तेल डाल देंगे और जितनी हमारी दाल की क्वांटिटी थी उससे हम दो गुना पानी डालेंगे। मेरी सारी दालें इस वाटी के बराबर थी, एक वाटी थी, मैं इसी वाटी से दो वाटी पानी डालूंगी। और इसे धीमी आंच पे तीन से चार विसल आते तक पकाऊंगी। इस तरह से तेल और हल्दी पाउडर डालने से हमारी दाल ऊपर आती नहीं, मतलब जो पानी निकलता है वो बाहर वो आता नहीं और हमारी दाल अच्छे से पक जाती है। तो अब मैं कुकर लगा देती हूँ और विसल आने का इंतजार करती हूँ। मध्यम आंच पे तीन से चार विसल आते तक के पकाया है और 20 मिनट तक कुकर को ठंडा होने दिया। अभी मैं इसे ओपन करके देखती हूँ, मेरी दाल अच्छे से पक चुकी है। अब हम दाल को फ्राइंग के लिए तैयारी करते हैं। तो चलो अब हम पंचरत्न दाल बनाने की तैयारी करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने दो चम्मच तेल डाला था, तेल अभी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे। अब हम सरसों के दाने, जीरा, हींग, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से और प्याज को ब्राउन होते तक के पकाएंगे। अभी हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें तीखा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला,
और नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, प्याज अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। अब हम इसमें एक बाटी पानी डालेंगे, आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ऐड कीजिए। पानी हमें धीरे धीरे डालना है मिक्स करते हुए। अब हम इसको उबली आते तक ढक के रख देते हैं। अभी हमारे दाल को अच्छे से उबली आ गई है, बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें बटर का तड़का लगाएंगे। मैंने इस तरह से बटर को गरम किया है, मैं इसमें खाली कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, इससे अच्छा स्वाद आएगा। अभी मैं ये तड़का इस दाल में डाल दूंगी, इससे हमारी दाल काफी टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हमारी दाल पंचरत्न दाल बनके तैयार है। अभी हमारी पंचरत्न दाल बनके तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ती से इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से थाली भी बनाई है, चावल के साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है। आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं और भाटी के साथ में भी खा सकते हैं, जो राजस्थान में फेमस है। बहुत ही टेस्टी और यमी ये दाल है, बच्चों को भी काफी पसंद आती है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते।